देंगे अब। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू इट वेट। तो इलेक्ट्रॉन पे वेट की वजह से फोर्स आएगा, वो आएगा एम जी। तो ये सस्पेंडेड रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब ना नीचे जाना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। कितना? इस पर चार्ज इंटू ई। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे, तो ये ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, सस्पेंडेड रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एम जी बाई ई के बराबर। ए अपना आंसर हो जाएगा।